मेरिल डच पैदा हुए 8 अगस्त 1924 और वफात 16 अप्रैल 2020। वो एक अमरीकी एनिमेटर, मज़ा निगार और फिल्म डायरेक्टर थे। 1959 के बाद डच जाने जाने लगे एज ए कार्टूनिस्ट। उनके मशहूर कार्टून्स में मनोरो, टॉम एंड जेरी, टॉम टेरिफिक और यूडनिक शामिल हैं। डच 8 अगस्त 1924 को शिकागो में पैदा हुए। उनके वालिद सेल्समैन थे जिनका नाम जोसेफ डच और वालदा का नाम रूथ डेल्सन डच था। 1929 में उनका ख़ानदान कैलिफोर्निया चला गया और डच ने हॉलीवुड के स्कूल में तालीम हासिल की। उन्होंने 1942 में लॉस एंजलस हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की। तालीम से फारग और तहसील होने के बाद डच ने शुमाली अमरीकी हवाबाजी की कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, जहां पर वो तैयारों के ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते थे। 1940 से 1951 तक डच ने जैज़ मैगज़ीन द रिकॉर्ड चेंजर में कवर और दाखले फ़न में काम किया। 1954 में डच ने अपनी मौसीकी रिकॉर्डिंग कंपनी शुरू की। 1955 में डच ने यूनाइटेड एनिमेशन स्टूडियो प्रोडक्शन ऑफ अमेरिका में इंटर्नशिप हासिल की और बाद में वो टेरी टोन्स के क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए। 1960 से 1963 में डच ने हदायतकार रेम ब्रैंडन के साथ मिलकर टेलीविज़न के लिए पापाए कार्टून तख्लीक किए और 1961 से 1962 तक MGM स्टूडियो के लिए 13 नई अपनी हदायतकारी में मशहूर ज़माना कार्टून सीरीज टॉम एंड जेरी के शॉर्ट तख्लीक किए। 1961 में डच के कार्टून सीरीज़ टॉम एंड जेरी उस वक्त के सबसे ज़्यादा कमाने वाले एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सीरीज़ बन गए, जिसने लोनी टोन्स एनिमेशन स्टूडियो को ख़त्म कर दिया, जो 16 साल तक एनिमेशन में टॉप पर फाइज रहा था। डच की कामयाब सीरीज़ ने 1962 में फिर एक बार अपनी कामयाबी को दोहराया। ताहम हैना बारबरा कार्टून के बरक्स डच को किसी भी फिल्म के लिए नामज़द नहीं किया गया और ना ही उन्होंने कोई एकेडमी अवार्ड जीता। डच का कहना था कि उनकी टीम की ना तजर्बकारी और उनके कम बजट की वजह से उन्हें शायद ही कामयाबी का मौका मिला और अपने कार्टून सीरीज़ पर मनफी रद्दअमल को वो अच्छी तरह समझ सके। उनका मानना था कि वो सब बेहतर किरदारों के मुताबिक एनिमेशन को मुतहरिक कर सकते थे, लेकिन टॉम एंड जेरी ने 1960 की दहाई से मेरी मौजूदगी के आगाज़ के करीब ये निसफ सदी कबल ही तैयार कर लिए गए थे। तनकीद के बावजूद कुछ मद्दाहों ने डच को मुस्बत तौर पर ख़त लिखे, जिसमें कहा गया था कि उनके टॉम एंड जेरी कार्टून उनके अजीबोगरीब हरकत की वजह से उनके ज़ाती पसंदीदा थे। कार्टूनों को DVD पर 2015 में टॉम एंड जेरी द डच कलेक्शन के नाम से रिलीज़ किया गया। जेन डच अमरीकी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ़, एनिमेटर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो टॉम एंड जेरी और पापाए के हदायतकारी के लिए मशहूर थे। प्राग में 16 अप्रैल 2020 को 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इस खबर को उनके पब्लिशर पीटर हेमल ने इनकशाफ किया, जिनका कहना था कि डच जुमेरात की रात 16 अप्रैल 2020 को गैर मुतवक्का तौर पर अपने अपार्टमेंट में इंतकाल कर गए। मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं।